हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोकेटायंस एंड उससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा, ठीक है, वो सारे रिएक्शन हम लोग इस टॉपिक के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोकेटायन के बारे में बेसिक्स हम लोग ने ऑलरेडी GOC में ऐसे पढ़ रखा है, बट थोड़ा सा यहाँ पर भी ओवरव्यू लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे कि मान लो कि अगर हम बात करें कार्बोकेटायन में, तो तीन बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। तो तीन बॉन्ड पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अगर हम कंप्लीट बोले, तीन बॉन्ड पेयर, एक कंप्लीट वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ हमने लिख रखा। उसके बाद तीन चूंकि बॉन्ड पेयर है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये बिहेव कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं इसके पास एक कंप्लीट वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे मान लो कि हमने ये चीज़ तो पढ़ रखा भाई, जो कार्बोकेटायन है उसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 होने के कारण वो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लानर होगा। अब प्लानर स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कोई, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मान लो कि कार्बन है, ठीक है, और सपोज मान लो कि इस स्पीसीज के यहाँ पर अटैक करने पर, ठीक है, एक यहाँ ऑप्टिकल सेंटर जनरेट हो सकता है, मतलब काइरल सेंटर जनरेट हो सकता है, तो वहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनने का चांसेस है। क्योंकि चूंकि प्लानर स्ट्रक्चर है तो ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे साइड से भी अटैक कर सकता है। तो चूंकि अटैक का दो दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए दो अलग अलग प्रोडक्ट बनने के चांसेज है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे देखो ध्यान से, Z1 Z2 Z3 तीन अलग अलग ग्रुप लिया, ये प्लानर स्ट्रक्चर है। तो जो Z4 है अगर वो वहाँ आता है तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर जनरेट होगा। सपोज यहाँ पे Z3 होता तो क्या ऑप्टिकल आता? नहीं आता। Z2 होता? नहीं आता। Z1 होता? नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे Z4 आके अटैक किया तो ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी। तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना दिया, तो मतलब रेसमिक मिक्सचर बनने के वहाँ पे चांसेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला मान लेते हैं, बढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, GOC में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि मान लो उसको प्लस एम इफेक्ट या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करता है, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों फैक्टर जो है वो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को क्या करता है, और ज़्यादा बढ़ाता है। वही अगर हम बात करें -M -I ग्रुप की, तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को घटाएगा। जैसे हमने एक दो एग्जांपल लिया, 3° कार्बोकेटायन, 2° कार्बोकेटायन, 1° कार्बोकेटायन एंड 0° कार्बोकेटायन। तो 3° कार्बोकेटायन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा एच और 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच और 3 अल्फा एच, 9 अल्फा एच होगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे 0 अल्फा एच, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्टेबल 3° देन 2° देन 1° देन उसके बाद 0°। सेम अगर मान लेते इन दो कार्बोकेटायन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पाई सिग्मा पाई, बट यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो सिंपल कार्बोकेटायन आपके अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब ये कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, ये। उसी तरह मान लो ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे जो NO2 है, NO2 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -M और -I, OCH3 का +M और -I। तो +M फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इंडक्टिव पे क्या करता है, डोमिनेट करता है। +M अगर इंडक्टिव पे डोमिनेट कर जाएगा तो +M तो स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को, मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल सी हो जाएगा, देन उसके बाद ए, देन उसके बाद बी हो जाएगा। उसके बाद अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, ये मान लो हमने तीन कार्बोकेटायन लिया, ठीक है। अब ये तीनों कार्बोकेटायन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन, और चूंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन है तो फिनाइल कार्बोकेटायन जो होता है वो काफ़ी लेस स्टेबल होता है। उसका रीज़न ये होता है कि फिनाइल कार्बोकेटायन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो चुका होता है। sp का मतलब बॉन्ड एंगल 180 होगा, और चूंकि वहाँ पे बेंट शेप है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंगल पे स्ट्रेन पड़ रहा होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ABC में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा, देन C हो जाएगा, देन उसके बाद A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद फिर और आगे कार्बोकेटायन के बेसिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बोकेटायन को जनरेट कैसे करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में। कुछ एक दो सिंपल मेथड है, वो आप लोग जानोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे हमने फ्री रेडिकल का जनरेशन देखा था कि जब HNU रहेगा तो वहाँ पर फ्री रेडिकल ज़्यादा बनने का चांसेज है, सनलाइट लिखा होगा तो फ्री रेडिकल बनने का चांसेज है। कुछ रेडिकल इनिशिएटर जैसे कि पेरोक्साइड बॉन्ड अगर रहेगा तो रेडिकल बनने का चांसेज है। तो सेम कार्बोकेटायन में भी कुछ एक दो फॉर्मेट है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक हमने लिखा बाई हेट्रोलिसिस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने एच प्लस लिया, ठीक है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। मान लो कि ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके इसमें एच प्लस जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी एच थ्री, और यहाँ पे सी एच टू प्लस, ठीक है। सेम यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मान लो इसमें कंसंट्रेट हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आया या इसके साथ जुड़ गया, इस पर क्या बन गया, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब थोड़ा इस चीज़ को समझना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ तो चलो आइडेंटिकल था, ये इधर जाए या इधर जाए बात एक है, लेकिन यहाँ आइडेंटिकल नहीं है तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों जा रहा है, ठीक है। तो एक जनरल एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे ध्यान से कि पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन एक बार मान लो कि इस कार्बन पे कंसंट्रेट हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाएगा और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, मतलब ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस पे कंसंट्रेट होता है, इस सेकंड वाले कार्बन पे कंसंट्रेट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा, तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो हमने दोनों बना लिया। अब देखो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसके बनने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए देखो हमने यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके तरफ कंसंट्रेट करवाया, ना कि इसके तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देख के समझ में आ रहा होगा, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन को हमेशा उस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ताकि दूसरे वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी जो हो वो ज़्यादा हो। उसी तरह से अगला एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लो इसका पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कंसंट्रेट होता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, ठीक है, और इससे एच लग जाता। अगर पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कंसंट्रेट हो गया तो इससे एच लग गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो ये हमने बना दिया। अब देखो दोनों ही केसेस में, यहाँ पे हमने बस एक केस बनाया है, दूसरा केस आप अपने से एक बार बना के एक बार ट्राई करना। तो यहाँ जो कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको बैक बॉन्ड करेगा, तो इसका स्टेबिलिटी ऑब्वियसली क्या है, ज़्यादा है। उसी तरह से मान लो यहाँ पे एक केस हमने लिया, देखो इलेक्ट्रोफाइल को एक बार इस कार्बन पे कंसंट्रेट करा दिया, देखो एक बार इस कार्बन पे करा दिया, एक बार इस कार्बन पे करा दिया, तो जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस इधर आ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, दोनों बना दिया। अब देख लो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ देंगे या यहाँ देंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जब यहाँ जोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो ऑब्वियसली ये देखो ध्यान से, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल उसमें ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला मेथड क्या है, तो हेट्रोलिसिस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में बात समझ में आ रही है कि कैसे करना है, कि उस पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करो, ठीक है, जिससे कि जो बनेगा कार्बोकेटायन उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखो हेट्रोलिसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड जैसे मान लो कि आर एक्स बॉन्ड है, हमें पता है कि एक्स बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो एक्स को आराम से निकाल दो, आर पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमने देखे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो सेम यहाँ पे करना है। तो अब इसमें भी तो वही चीज़ है ना, कि अगर ये जो आर प्लस बन रहा है इसका स्टेबिलिटी होना चाहिए अच्छा खासा, तो अगर ये 0 डिग्री और 1 डिग्री अगर आर रहेगा तो जो तुम्हारा इसका हेट्रोलिसिस है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है, ये देखो 0 डिग्री है, CH3Cl, इसको तोड़ दिया, कार्बोकेटायन तो बन गया, ठीक है, लेकिन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए हम ये बोलेंगे कि इसका बनने का चांसेस जो है वो थोड़ा कम है, ठीक है। उसी तरह सेम यहाँ पे 1 डिग्री बन रहा है, इसके भी बनने का चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ये 3 डिग्री वाले का, तो देखो 3 डिग्री वाले का कार्बोकेटायन बना दिया, भाई 9α H मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए ईजिली फॉर्म कर जाएगा, और इसका हेट्रोलिसिस भी क्या होगा, फास्ट होगा इन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप ये दो तरीके से देख सकते हो कि कैसे कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। और भी कुछ मेथड्स है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा एक सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो R लिविंग ग्रुप, अब ये लिविंग ग्रुप निकाल दो तो R पे प्लस, और लिविंग ग्रुप न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसे सारे तुम्हारा जितने भी रिएक्शंस में आएंगे, तो इन जनरल ये तुम्हारा एक दो मेथड था जिससे हम कार्बोकेटायन को जनरेट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद जो रिएक्शंस हम लोग कार्बोकेटायन के अंदर में डिस्कस करेंगे उन रिएक्शंस के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, फिर एक एक करके लेक्चर बाई लेक्चर हम लोग सारे रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट करो, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारे रिएक्शंस है, ठीक है। जैसे सबसे पहला रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, डाइजोटाइजेशन, डेमजानोम रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये एल्कीन में भी पढ़ेंगे हम लोग और अल्काइन में, साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है।
और इसमें एडिशन ऑफ HX है, OMDM है, HBO है, पेरोक्साइड इफेक्ट है, एडिशन ऑफ वाटर है, ओजोनोलाइसिस है, उसके बाद हैलोजनेशन ऑफ एल्किन एंड अल्काइन एंड एडिशन ऑफ HX इन डाइन। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस है जो हमने पढ़ रखा है, जैसे कि हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था जिसमें कि इंटरमीडिएट जो था वो कार्बोकेटायन था, ठीक है। उसी तरह से हमने E1 रिएक्शन पढ़ा था जिसमें इंटरमीडिएट जो था वो कार्बोकेटायन था। तो इस तरह से SN1 एंड E1 से भी रिलेटेड जो रिएक्शंस होगा उसमें भी इंटरमीडिएट चूँकि कार्बोकेटायन बनते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम इसके अंडर में डिस्कस कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं इसमें कि हमने रीअरेंजमेंट जो है ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, SN1 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया और E1 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो बच गए ये रिएक्शंस, तो इन रिएक्शंस को, ठीक है, अब लेक्चर वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।